गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रमोद श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आउटिंग स्टोरीज ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि काफी दिनों बाद ये ब्लॉग बना रहा हूँ। और फिलहाल मैं हूँ आलंदी में, और आलंदी संतों की भूमि मानी जाती है, और संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि, संजीवन समाधि ज्ञानेश्वर महाराज ने यहाँ ली थी। संत ज्ञानेश्वर महाराज का अगर इतिहास जानना चाहते हो तो आपको गूगल करना पड़ेगा। गूगल पे सारी डिटेल्स है कि उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कब समाधि ली, उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन कार्य में, वो सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल। तो अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको जहाँ श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज ने संजीवनी समाधि ली थी, उस मंदिर के अंदर। वो मंदिर कितना बड़ा है, कितना भव्य है, आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। और इस मंदिर में हजारों लाखों की तादाद में लोग रोज़ आते हैं, दर्शन लेते हैं और अपने आप को तृप्त करते हैं। और ये नदी है, इस नदी में लोग नहाते हैं और फिर मंदिर की तरफ जाते हैं। नदी से स्नान करने के बाद लोग यहीं से अंदर आते हैं, ये गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं और आगे पूरा मार्केट है। डेली यहाँ हजारों की तादाद में भक्तगण आते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के दर्शन लेने। कुछ इस तरह का मार्केट है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि मंदिर, यहाँ से सभी लोग समाधि के दर्शन लेते हैं। और ये बगल में ऐसा मार्केट है फूल का, माला का। ये नदी के साइड का हिस्सा है, यहाँ से ये जो रोड देख रहे हैं आप, इस रोड से मतलब आना जाना होता है। और एक रोड उस तरफ भी है, और ये नदी के सामने का हिस्सा है, मतलब मंदिर के सामने का हिस्सा है ये पूरा। और ये नदी पे स्नान करने के लिए ये पूरा चबूतरा बनाया हुआ है, और बारिश के समय ये पूरा भर जाता है यहाँ तक, ये पूरा भर जाता है। और लोग भक्ति भाव से यहाँ आते हैं, ये ऐसे संत महात्माओं के याद में ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये जो है ये समाधि है किसी की, किसी संत महात्मा की। और ये मार्केट एरिया है, जैसे कि मैं पहले बताया, ये ऐसे मार्केट एरिया बहुत सारे हैं, मतलब इनके मंदिर में जाने के लिए 3-4 रास्ते हैं। तो हर रास्ते पे जो है ऐसे दुकानें हैं जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे हार हो गया, हाथ में बांधने वाले जो धागा होता है वो है, माला है, ये मूर्तियाँ हैं, प्लस फोटोज़ हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज की। ये जैसे कि मैं बताया, ये मेन गेट है, यहाँ पे भक्तजन आते हैं समाधि के दर्शन लेते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद हैं तो अंदर जाने का मौका नहीं मिलता। ये अंदर का हिस्सा है, जैसे गेट से अंदर आते हैं ये अंदर का पूरा हिस्सा है, और ये कुछ इस तरह नज़र आता है। पूरा ऐतिहासिक मंदिर है, और इसके पीछे बहुत सारा इतिहास है, जो कि आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा। और बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई है संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन चरित्र पर, कि उनका जीवन कैसा था। ये 1200 सदी का मंदिर है, और इसको धीरे धीरे मॉडिफाई किया गया है इसको भक्तजनों के लिए। और बहुत सारे कीर्तनकार हैं जो दिव्य यात्रा निकालते हैं, जिसको हम डिंडी कहते हैं। तो कुछ इस तरह मंदिर का रूपरेखा है। ये मंदिर की डिज़ाइन है जो अभी अभी बनी है।
कितनी खूबसूरत तरीके से ये मंदिर बनाया गया है। देखने पे ऐसा लगता है कि हम यहीं रह जाएं, रुक जाएं।